धन धान्य समृद्धि सबका स्वामी होंगे। संसार भर में खुद से अधिक संपन्न कोई भी नहीं है प्रभु, और अपनी ऐसी संपन्नता से प्रभु मैंने ऐसी अद्भुत अलका नगरी का निर्माण किया है कि कैलाश भी उसके समक्ष टीका पड़ जाएगा प्रभु। और मैं आपको परिवार सहित अलकापुरी में भोज के लिए आमंत्रित करने आया हूँ प्रभु। भोज? कहते हैं कि भक्त का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, इसलिए आप मेरा निवेदन अस्वीकार नहीं कर सकते प्रभु। कुबेर देव, भोजन में तो मेरी कोई रुचि नहीं, और मैं अपने स्वामी के बिना वहाँ नहीं आ सकती। किंतु यदि आप चाहते हैं कि हमारे परिवार से कोई सदस्य आपकी नगरी पधारे, आपका सत्कार स्वीकार करें, तो आप मेरे पुत्र गजानन को ले जा सकते हैं। भोजन में मुझे तो बड़ी रुचि है। ऐसी अद्भुत नगरी तो और कहीं नहीं है, आइए मेरे राजभवन में स्वागत है आपका। जब से आप मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूँ, आप अति अति हास्यास्पद हैं। मैंने स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया किंतु मेरी हंसी फूट पड़ी। कितने विचित्र आकृति है ना आपकी, खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश, और उधर मानो अन्न का भंडार हो। और तो और, आपने कभी इस पर विचार किया है कि आपका आहार ग्रहण करने के उपरांत आपका उदर इतना हास्यास्पद हो जाता है, अब कोई आपको ऐसी अवस्था में देखेगा उससे तो हंसी आ ही जाएगी। गणेश की चित्कार थी।
पर संकट आते रहते। कभी देवताओं के कारण उसका शरीर उसके घर से विलग हो जाता, तो कभी आपके परम भक्त परशुराम के कारण उसका तत् खंडित हो जाता। समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। समाधान की चिंता नहीं है मुझे पिताश्री, मुझे तो दंड देना है चंद्रदेव को। प्रभु, मुझसे भूल हुई, मेरा व्यवहार अनुचित था। मैं अपने इस व्यवहार के लिए लज्जित हूँ। अब आपसे और माता से क्षमा याचना करने के सिवाय मेरे पास और कोई उपाय